हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्रिया राजगुप्ता व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज क्या है, आज है हबी जी का बर्थडे। और आज हबी जी के बर्थडे पे भंडारा हो रहा है और खाना हो रहा है और रुद्राभिषेक हो रहा है, जो कि देखो मैं पूजा पे बैठ चुकी हूँ रेडी होके, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। और मैंने साड़ी कौन सी पहन रखी है, जो मेरे बर्थडे पे हबी जी ने गिफ्ट करी थी, वो ली मैंने आज साड़ी पहनी है क्योंकि उनका बर्थडे था इस वजह से। और मैंने चूड़ियाँ भी बहुत उन्हीं की मनपसंद की पहनी, उनको यही पसंद है, बिल्कुल रेड रेड चूड़ियाँ, तो मैंने यही पहना है। और न्यू स्टूडियो दिखाऊंगी, नहीं कंप्लीट हो चुका है बट उसी में पूजा हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। तो देखो मैं पंडित जी आ चुके हैं, रुद्राभिषेक स्टार्ट होने वाली है, तैयारियाँ हो चुकी हैं और हबी जी की कमी है, वो आते ही होंगे, आएंगे स्टार्ट हो जाएगा। पंडित जी बैठ गए, पंडित जी गुस्से में बैठे हैं क्योंकि मॉर्निंग में आ चुके थे पंडित जी। तो गाइस पूजा स्टार्ट हो चुकी है हमारी, अब पूजा हो रहा है। अब हम लोग विष्णु, अब हम लोग सर शिवलिंग को हम लोग स्नान करा रहे हैं पहले। अभी तक स्नान ही हो रहा है हमारा, क्योंकि स्नान कराने में टाइम लगता है शिवलिंग को, और फिर उसके बाद हम लोग उनका श्रृंगार करेंगे, बहुत भव्य श्रृंगार और बहुत सुंदर श्रृंगार। अब पंडित जी हम लोग को लगा रहे हैं चंदन, जो शंकर भगवान के सर पे लगा रहे थे, पर सबके लगाएंगे। रुद्राभिषेक स्टार्ट हो चुका था, हम लोग रुद्राभिषेक करने लग गए थे, और रुद्राभिषेक करने में कम से कम 3 घंटा लग चुका था। हाथ वगैरह सुन्न हो गए थे, पैर वगैरह सुन्न हो चुके थे बहुत ज्यादा। तो पूजा हम लोग की समाप्त हो चुकी थी, और अब उसके बाद हम लोग भंडारा स्टार्ट कर चुके हैं, भंडारा लग गया हमारा। भंडारे में हम लोगों ने करवाया था छोले और चावल, मौसम हो चुका था बारिश का बट बारिश नहीं आया, बस मौसम हो रहा था। घर बहुत गरम गरम सा मौसम चल रहा था, एक तो गरम गरम भंडारा और ऊपर से गरम गरम मौसम,
बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। ये 1 मिलियन का अभी जी ने बनवाया था बैनर, राजमंडल डिजाइनर का भंडार स्पेशली भंडारे के लिए और अपने बर्थडे के लिए। पीछे लाइन में, लाइन में, लाइन में बहुत लग रही है लेडीज लाइन में, पीछे लाइन में। चलो चलो भाई, एक 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 पत्थर दे देते, चल मैं सबको बोल रही थी, दो चीज़ें आए थे मेरे, उन लोगों को बोल रही थी कि आके नीचे आप भंडारा बांटो। भंडारे के लिए लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, स्पेशली पूड़ी सब्जी के लिए तो कम भीड़ होती है क्योंकि पूड़ी सब्जी तो नॉर्मली सब करवाते हैं, स्पेशली हबी जी ने भंडारे में करवाया था छोले और चावल गरम गरम, और ये पानी था। अब जाहिर सी बात है भंडारा जब किसी को खिलाओ गर्म गर्म तो पानी की ज़रूरत तो जरूर पड़ेगी। लाइन बढ़ती जा रही थी थोड़ी थोड़ी देर पे। भंडारा बांटने के लिए सेवा सबने की है, हबीब जी के कुछ लोग गेस्ट आए थे, कुछ फ्रेंड्स आए थे और कुछ पॉलिटिक्स के लोग आए थे, सबने बांटा है थोड़ा थोड़ा, सबने बांटा है, सब सोच रहे थे कि मैं सेवा करूँ। मेरे पापा पानी बांट रहे थे और ये जीजा छोले सर कर रहे थे और मैं चावल दे रही थी। भंडारा भंडारा बच चुका था, अब जो गेस्ट आए थे उनको खाना वाना करवाना था हम लोगों को। ये सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जी के जो सीख के जा चुके हैं और उन्होंने स्पेशली बोल रखा था कि मैं भी आऊँगी सर आपका जब न्यू ऑफिस का ओपनिंग होगा था, और ये सब को तो जानते ही होंगे आप लोग, फरमानी नाज बुरा ढोलक वगैरह सब लोग, सारी टीम आई हुई थी अभी जी के बर्थडे पे। राज भाई के साथ में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिली, और भाई तो इतने गुंगा भाई को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करना, भाई करना सेव करना, क्या बात है। आज मेरा जन्मदिन है, आज आपको दादू दूंगा, मेरे जन्मदिन के प्लान में अब गाना गा रहे हैं उसके बर्थडे पे, स्पेशली फरमानी नाज दीदी हर शंभू बार बार दिन आए, बार बार दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राज भाई। एक सिम ना ले लो, मेरी ला लो मेरे। तो हनुमान चालीसवा भी मैंने गाया तो बहुत ही, आप सभी का सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा सा सुना के पूरा तैयार भी है। जय हनुमान।
राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुखनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। वाह, कहते हैं देखो हर व्यक्ति के जीवा पे प्रत्येक दिन में एक बार माता सरस्वती जी का विराजमान रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि दीदी के कंठ में हमेशा माँ का विराजमान रहता है, क्योंकि आवाज इतनी सुरीली है। इनसे चाहे फिल्मी गाने के वालों, चाहे भक्ति सॉन्ग वालों, मतलब कोई भी गाना हो, कोई भजन हो, कोई भी सॉन्ग हो, मतलब दिल खुश कर देती है। दीदी अभी आपका नया गाना आया है, कब पहनूंगी वरमाला, सब कर ली है तैयारी, तेरे बन के नए घर वाली मैं भी दिल्ली आऊंगी, बन के नए घर वाली मैं भी दिल्ली आऊंगी, होगी पबजी पे मेरी बात मैं एक और लाऊंगा, होगी पबजी पे मेरी बात मैं लाहौर लाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पता मतलब जो कि बड़ा पॉपुलर गया है और मतलब उसको कई मिलियन लोगों ने इसमें रील बनाई है, इसका नाम है गुल्लक फोड़ के। अभी भूरे ढोलक इधर आओ भाई, ये देखो बहुत अच्छी उसमें एक्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है भूरा भाई ने, और ये गाना मेरे ख्याल से स्वर्ण में, इधर आओ, इधर आओ। तो गाइस अब हम लोग का पूजा वगैरह हो चुका है और पार्टी शार्टी हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं केक कटिंग करने। देखो केक का सरप्राइज था, ये डेकोरेशन किया हम लोगों ने, देखो कैसा लग रहा है, अभी सरप्राइज देने जा रहे हैं हम लोग। अब सरप्राइज देखते हैं उनका फेस इंप्रेशन क्या होता है। और अब बहुत जल्दी में किया है क्योंकि टाइम था नहीं बिल्कुल भी, और जितना मतलब हो सका उतना कर दिया। अब देखो ऊपर जाते हैं फिर करते हैं, देखते क्या उनका फेस ही देखते पहले होता क्या है फेस का, क्योंकि खुशी तो उनके दिखता नहीं है, सब कुछ पता होता है पहले से ही उनको, सब कुछ सब रेडी हो चुके हैं। अब मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऑफिस में, अब देखो सजावट भी हो चुकी है। ये रहा देखो, आन तो दियो Happy birthday to you. Happy birthday, dear.
बताएगी थोड़ी ना क्या लगे पापा की रिटर्न आपकी है जो गाजियाबाद में रहती है बहुत ही प्रिय दीदी भाई घर मचाना गाजियाबाद में रहती है हम साथ तो फोटो वगैरह क्लिक हो रही थी मम्मी वगैरह मेरे और अब दीदी की जाने की तैयारी हो रही है। दीदी जा रही थी तो इस वजह से हम लोगों ने रक्षाबंधन पे नहीं आ पाएंगे, इस वजह से हम लोग पहले ही राखी बनवा रहे थे दीदी से। बेटा पीछे हो गई वीडियो में, फोटो वगैरह क्लिक हो रही है। अब मेरे को दीदी राखी बांध रही है। नहीं भागना, जिज्जा के कपड़े नीचे रह गए, जिज्जा के कपड़े नीचे रह गए। हम क्या करें, जाओ ले आओ मतलब मैं बड़ी बहनों से फर्स्ट राखी, पहली राखी थी, इतनी सारी बहनें और एक भाई, सब बहनों ने राखी बांधी थी डुगो को। अब दीदी जा रही हैं, दीदी आज ही निकल रही हैं क्योंकि जीजू को थोड़ा काम था, इस वजह से निकलना पड़ा दीदी को। लेकिन दीदी आई, बहुत अच्छा लगा हमें। सर्वो दीदी को छोड़ने आए हैं हम लोग नीचे तक, दीदी को मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलकर हम लोगों को। दीदी सब दीदी चली गई तो उसके बाद बहुत मिस कर रहे थे। गाइस अब हम लोग का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और टाइम कितना हो रहा है दो बजने को जा रहा है। अब भाई भांजी कह रहे हैं सब लोग कि गिफ्ट्स खोलो मामा। अब हम लोग गिफ्ट देखो कितने सारे गिफ्ट्स भरे हैं। क्या हो गया, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मेरी दीदी लोग और भैया भी, दीदी भी और जीजा भी, बच्चे भी, ये लोग इतने एक्साइटेड हैं गिफ्ट के लिए। तो आप लोग एक्साइटेड हैं? यस। ये लोग कितने एक्साइटेड गिफ्ट के लिए। तो गाइस करते हैं, तो गाइस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो चुकी थी और आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आज जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें और कल मिलते हैं नए दिन की शुरुआत से। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।